तो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वीडियो। तो यार आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को गन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऑटो गन, स्नाइपर, जो भी SMG, जो भी गन है, तो सारी गन्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा गन के इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं। तो सेटिंग्स पे, सॉरी सेटिंग्स नहीं, गन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जो अपनी गन है उस पर क्लिक, तो AK-74U, पहले हम एशियल राइफल मतलब कि ऑटो गन पे बारे में जानेंगे। तो इसका डैमेज है 80%। AKS इसका नाम है, 74U। तो AKS काफ़ी अच्छी गन है जिसका 80% का डैमेज भी रहता है और फायर रेट भी काफ़ी अच्छा। तो ये गन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो M4 है ना यार, उसके मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि M4 का डैमेज तो वैसे ही पहले उसमें भी कम है, पबजी में जी इसमें भी कम है, लेकिन इसकी रेंज भी 45 इतना ही है। तो इससे बेहतर बेहतर गन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो BK-57, इसकी रेंज भी ज़्यादा है और डैमेज भी 48 है, मतलब कि M4 से तो बेहतर है। और यहाँ पर ये M16, M16 को आपको पता ही है भाई, पहले से ही बेहतर गन है, लेकिन शायद ये ब्रस्ट पे इसमें भी चलती है, पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये शायद ऑटो गन ही है। तो AS-M10, इसका भी आप डैमेज देख सकते हो, 60%, 55। तो मोस्ट ऑफली यहाँ पर मैं आप लोग बेसिकली दिखा दूंगा कि कौन कौन सी गन है, लेकिन जो मैं 3 पिकअप गन करूँगा ना, वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि मिड रेंज के लिए भी सही रहेगी। और LK-24, ये भी काफ़ी अच्छी गन है, 45 का डैमेज है, 50 का रेंज है। उसके बाद हम देखते हैं Type-24, Type-24 मीडियम है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद AK-117, तो डैमेज इसका 50 है, फायर रेट 70 है, 55 एक्यूरेसी, मोबिलिटी 60%, रेंज इसका 45 है। तो AK-47 सबसे OP गन है ना, तो AK-47 जैसी एक भी गन यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली ऑटो गन के अंदर, ठीक है। AK-47 का 70% का डैमेज है, जबकि उसका मतलब फायर रेट भी 55 है, एक्यूरेसी भी 45 है, जबकि रेंज उसकी 65 तक है। तो AK-47 काफ़ी OP गन है, इसका यूज़ आप ज़रूर करना ऑटो गन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी गन के बारे में बात करें तो AKS, ये दो गन काफ़ी अच्छी है। AKS सबसे बेहतर है, इसका डैमेज भी 80 है लेकिन इसकी रेंज कम हो जाती है। तो AK-47 काफ़ी बेहतर है। और थर्ड गन के बारे में बात करें तो AS-M10, ये काफ़ी अच्छी गन है, क्योंकि ये पूरी तरह से मीडियम लेवल की गन है, क्योंकि इसका डैमेज भी 60 है, डैमेज भी कम नहीं है, रेंज भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अब स्नाइपर के बारे में बात करें तो जैसे हमारा पबजी मोबाइल में AWM है, वैसे इसमें DLQ-33 है, जिसका डैमेज भाई 90% का डैमेज है और इसकी रेंज 95% है, मतलब सिर्फ एक गोली जैसे AWM पड़ती है ना, यहाँ पर आप इसको बॉडी भी मारोगे ना भाई, तो एक गोली पड़ेगी और बंदा भाई नॉक हो जाएगा, डेफिनेटली बोल सकता हूँ मैं। उसके बाद XPR-50, तो इसका डैमेज 80% है, फायर रेट 40 है। तो DLQ-33 भाई इसके आगे OP गन है, क्योंकि भाई इसका कोई मतलब ही नहीं यार। M21 EBR और RKTIC-50, तो RKTIC-50 और DLQ-33, ये दोनों स्नाइपर बहुत ही ज़्यादा OP गन है। तो अगर एक ऑटो गन यूज़ करना और एक ही हो, तो AK-47 और DLQ-33 के साथ RKTIC-50 या DLQ-33 ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है आप, AK-47 के साथ। उसके बाद LMG, मतलब कि ये होगी हमारी मशीन गन, ठीक है, मशीन गन है। तो इसका M4 LMG इसका नाम है, और 60 का डैमेज है इसका, 45 का रेंज है, तो फायर रेट भी 55 का है। तो ये काफ़ी अच्छी गन है अगर आप यूज़ करना चाहते हो। RPD मतलब ये DP टाइप की गन है भाई, जैसे हमारी DP है ना वही, देखो ये मीडियम लेवल का, डैमेज भी इसका 65 का है, रेंज भी इसकी 58 की, जबकि फायर रेट भी इसका 65 तक है, तो काफ़ी अच्छी गन है। उसके बाद S-336, तो इसका डैमेज 75 का है, फायर रेट 75 का है और रेंज इसका 50 का है, बहुत ही सही गन है भाई, बहुत ही ज़्यादा सही गन है। LMG आप यूज़ कर सकते हो भाई, ये गन काफ़ी मुझे OP गन लग रही है। तो AK-47 के साथ या फिर इसके साथ आप लोग Q-33 जो हमारी स्नाइपर थी उसको यूज़ करते हो। उसके बाद UL-736, तो इसका डैमेज अच्छा है, और इन दोनों के बारे में कंपेरिजन करें तो UL-736 काफ़ी अच्छी गन है और S-36 भी काफ़ी अच्छी गन है। तो UL-736 और S-36 ये काफ़ी अच्छी गन है अगर आप यूज़ करना चाहो, आप नोट कर लो क्योंकि बाद में शायद आप लोग इसका नाम भूल जाओ। तो उसके बाद बात करते हैं SMG, तो PDW-57, तो इसका डैमेज हम देख सकते हैं 90% का डैमेज था
बहुत ओपी गन है। उसके बाद MSMC, इसका भी डैमेज 75%, लेकिन PWD का डैमेज 90%। तो क्लोज रेंज के लिए आप भाई SMG गन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा PDW-57 का यूज़ करो, क्योंकि भाई काफ़ी ओपी गन है भाई चिकोम। उसके बाद HG-40, इसका डैमेज भी 75 है, एक्यूरेसी 60 है, रेंज इसकी 40 तक की है, ओपी गन है भाई ये भी। उसके बाद PWD-57, तो जो ऊपर वाली गन है वही है, बाकी इसकी स्किन में सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन इसकी रेंज 25 की है। मतलब कि ये जैसे हम लोग M762 को दूर तक यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही इसका भी रेंज दूर तक की नहीं है। लेकिन मीडियम रेंज की बात करें तो HG-40 काफ़ी अच्छी गन है, तो मीडियम रेंज पर यूज़ कर सकते। उसके बाद शॉर्ट गन, तो भाई BY-15 शॉर्ट गन 85 का डैमेज यूज़ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि शॉर्ट गन का हम काफ़ी यूज़ नहीं करते। उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन भाई ये गन काफ़ी देखे, HS-0, HS-2, 21-26, भाई 75 का। यार ये गन देख के मुझे नहीं समझ आया, यार भाई इसको शॉर्ट गन में कैसे रखा हुआ है भाई, ये क्या शॉर्ट गन है, मुझे नहीं समझ भाई आ रहा कि इसको देख के शॉर्ट गन तो नहीं लग रही है मुझे। स्ट्राइकर ये भी शॉर्ट गन नहीं लग रही है भाई, तो ये चीज़ शायद पता नहीं इसके बारे में क्या है, लेकिन जो जो चीज़ मुझे अभी दिखाई दे रही है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये गन पसंद आई होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग खुद से देखना चाहते हो अपने मोबाइल में देख लो। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।